टेलीकॉम कंपनियां आए दिन कोई ना कोई प्लान लॉन्च करती रहती हैं जिससे कि वो अपने यूजर्स को बढ़ा सकें और बाकी कंपनियों को टक्कर दे सकें। हम आपको टेलीकॉम कंपनियों के प्लान के बारे में बताएंगे जिसमें आप तय करिए कि कौन सी कंपनी का प्लान सबसे बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं वोडाफोन के 199 रुपये के प्लान की, जिसमें 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और रोज़ 1.4 GB डाटा आपको मिलता है। कुल मिलाकर 39.2 GB डाटा आपको मिलेगा। अनलिमिटेड वॉइस कॉल होगी और इसमें आपको एक लिमिट होती है जो कि हर रोज़ कैंपिंग लिमिट हर रोज़ की 250 मिनट है, जबकि वीकली लिमिट 1000 मिनट की होती है। इसके अलावा डेली 100 SMS आपको मिलते हैं। बात करते हैं जियो के 198 वाले प्लान की, जिसकी वैलिडिटी भी 28 दिनों की है और आपको डेली 2 GB डाटा मिलता है और कुल डाटा हो जाता है आपका 56। इसमें भी आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं, तो वहीं आप इसमें कोई FUP लिमिट नहीं है जैसा कि अभी वोडाफोन में दिखी। तो इसके अलावा आपको 100 SMS मिलेंगे और जियो सूट ऐप्स के अलावा भी और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। बात करते हैं एयरटेल की। अगर एयरटेल के इस प्लान की बात करें तो उसमें भी 28 दिनों की वैलिडिटी है और इसमें आपका डेली जो डाटा है 1.4 GB डेली डाटा आपको मिलता है, जो कुल मिलाकर 39.2 GB हो जाता है। इसमें भी अनलिमिटेड कॉल है लेकिन इसमें कोई FUP लिमिट नहीं है। इसमें आपको एयरटेल TV और म्यूज़िक का कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। ये प्लान तीनों ही प्लान 200 रुपये के नीचे के हैं, जिसमें आप तय करिए कौन सा प्लान आपको बेस्ट लगता है। नेक्स्ट टाइम टैक के लिए राशिद अली की रिपोर्ट।